बाबा जवानी तोहरा में कूट कूट के चक्का पला गता के गिर जाई टूट के। भरल बा जवानी तोहरा में कूट कूट के चक्का पला गता के गिर जाई टूट के। रेड कलर के रेड कलर के रेड कलर के तरमिझमि रेड कलर के पहनले बाड़ू सूट ले जाई बुझी लालूट के। तरमिझमि रेड कलर के पहनले बाड़ू सूट ले जाई बुझी लालूट के। भरतर पीछा ए रानी झूठ मूठ के भागन तो देह तोहर छोड़ दे हम कूट के। लागे करबू 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 हो लागे करबू पहलवानी धोती खूट ले जाई बुझी लालूट के। किरमिझिम रेड कलर के पहनले बाड़ू सूट ले जाई बुझी लालूट के। देखी के रहन लोग मरे घुट घुट के बोलई गाड़ी तोहर ही कौना रूट के। जेके मिलबू मिलबू जेके मिलबू तेके मिलबू ओकर करम जाई फूट ले जाई बुझी लालूट के। तरमिझिम रेड कलर के पहनले बाड़ू सूट ले जाई बुझी लालूट के। अभी तो हम सूखे पड़ गए हैं, अभी तो सूखे जगह पे हैं हम। यहाँ गार्डन कहाँ ढूंढ रही हैं आप, पीछे है। नहीं, लेकिन सभी का दिल गार्डन गार्डन ऑब्वियसली हो चुका है। थैंक यू सो मच जी। तो हम आपको डांस आफ्टर डांस परफॉर्मेंस के बाद हमने इसलिए आपको स्टेज पर रोका है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके हाथों से जो है कुछ लोगों को अवार्ड्स भी मिले। राजीव रंजन जी जो बेफा के आयोजक हैं, हम चाहेंगे कि एक बार वो स्टेज पर आएं। सबसे पहले राजीव रंजन जी,
डेफा के आयोजक। हम भी अभी तक आपको नहीं देख पाए जे कि मेन मालिक कौन है। अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे। एक ताली बजा दो भाई। थैंक यू। खेसारी जी यहाँ भी के लिए आए हैं बिकॉज डेफा बेस्ट एक्टर इन मेल जाता है खेसारी लाल यादव जी को फॉर फिल्म लिट्टी चोखा। मैं चाहता हूँ कि लिट्टी चोखा के दोनों लोग यहाँ आ जाए, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, प्लीज जी आइए। इस पे मेरे से ज़्यादा हक आप सबका है, क्योंकि आपने सोचा, हमने तो सिर्फ वर्क किया है, लेकिन आपकी सोच और पराग पाटिल का स्टाइल सिनेमा। थैंक यू। वैसे बेस्ट फिल्म जा चुका है फिल्म लिट्टी चोखा को। कोई बात नहीं, पकड़िए इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि राजीव रंजन जी ने हम लोगों को इस लायक समझा, और लिट्टी चोखा की जितनी भी टीम है सबको दिल से थैंक यू कि सबने अच्छा काम किया था। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत खर्चा किया था, इन्होंने खर्चा करवाया था, इन्होंने किया था, उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा था मैंने भी लिया था। मेहनत तो कर, ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ लिट्टी चोखा में ही मेहनत किया हूँ, बाकी मैं नहीं करता हूँ। हाँ थैंक यू। और मेरी बहुत बड़ी फिल्म जो कि एक रियल बेस पे कहानी है, वो आशी की, जो कि रिलीज होने वाली है 4 मार्च को, आप सब जरूर देखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। पहली बार हम और अमर पाली जी उसमें काम किए हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच लिट्टी चोखा के लिए, और आप दोनों को डेडिकेट करता हूँ, ये आप दोनों का हक है इस पर, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजीव जी। खेसारी जी आपके बहुत बड़े फैंस हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आपके हाथों से जब अवार्ड मिलेगा तो फिर कैसा रहेगा। मेरे हाथों से अवार्ड किसको मिलेगा? अच्छा कोई होगा, कोई अभी तो ये तो वही बता सकता है कि उसको कैसा लगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे लग रहा है, ये कौन सा सवाल था जी? नहीं आपको पता है कि आपके हाथों से जब लोगों को अवार्ड मिलता है। अच्छा ये मुझे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, खाना बनाने वाला स्वाद के बारे में बताता है या खाने वाला? दोनों, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बना के आ रहा होता है। नहीं बनाने में तो ठीक है, लेकिन खाने वाला ज्यादा बता सकता। मैं उस शख्सियत का नाम बताना चाहूंगी, विद्या मौर्य। शी वाज सो हैप्पी कि उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड दिया जा रहा है डेफा की तरफ से। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझसे विद्या को दिलवा रही हैं, ये मेरी फेवरेट कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। मैं अपनी सारी सिनेमा में, क्योंकि बहुत मेहनती है, 5 मिनट के अंदर आपको कॉस्ट्यूम चाहिए तो पता नहीं कहाँ से रेडी करके दे देती है। उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू सो मच। इसके लिए तो जोरदार ताली बनता है, हमारे लिए ना बजाए चलेगा, क्योंकि ये वर्कर ऐसे हैं जो हमें खूबसूरत बनाने में बहुत योगदान देते हैं और बहुत पीछे से मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच। और अब हमारा अगला अवार्ड का कैटेगरी है फॉर बेस्ट पॉपुलर गायिका इन फीमेल, वो है स्वाति शर्मा। मोहल्ला माचिस हो गया, आ जाइए। मैं चाहूंगी कि प्रदीप सर उनके बिहाफ से अवार्ड लें। तू जरा फूल झरी क्या हुई, मोहल्ला माचिस हो गया। चलिए हमारी बिटिया रानी के लिए ये अवार्ड। ये इस गाने के लिए जो अवार्ड मिला है उसमें खेसारी जी ने स्वाति के साथ गाया है, और स्वाति को ये अपनी बेटी, बेटी छोटी बहन सब कुछ मानते हैं, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ही ये गाना जो है इतना सुपर हिट हुआ। थैंक्स खेसारी जी, और आपको मैं क्या बोलूं दिल से, सब आप हैं तो सब कुछ। बोलिए मत, अकाउंट नंबर दे दूंगा, डाल दीजिएगा। अकाउंट नंबर आपका पता होगा, अकाउंट नंबर पता होगा। बोलने से पेट थोड़ी भरता है, अकाउंट में आ जाता है तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर, जो कि है बेस्ट खलनायक, और ये जाता है मिस्टर अवधेश मिश्रा जी को। थैंक यू बीफा,
खलनायक का अवार्ड, मैं था खलनायक हूं नहीं, ये गलत अवार्ड जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, खलनायक भी कलाकार होता है, चाहे नायक हो खलनायक हो या एक चरित्र अभिनेता हो। ये जिसके हाथों अवार्ड दिया जा रहा है, वहां से मैंने एक ऐसी शुरुआत की थी जिस शुरुआत की वजह से आज मुझे अपने जीवन पे बड़ा गर्व हो रहा है, गुमान है मुझे, वो फिल्म थी मेहंदी लगा के रखना। ये हमारे पुत्र थे, मैं इनका पिता था, आज नहीं हूँ खलनायक ना, आज इनके पिता बहुत हो गए हैं, मेरे भी पुत्र कई हो गए हैं, लेकिन वो फिल्म मेरे जिंदगी की सबसे यादगार फिल्म में रहेगी। वहाँ से मेरे जिंदगी में जो बदलाव आया था, चाहे वो चारित्रिक परिवर्तन हो, माने ना माने हमारे मित्रगण, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है। इनके जीवन में हर दिन परिवर्तन होता है, हिसाब से बदलते रहते हैं ये। नहीं लेकिन अच्छा लगा, खलनायक अवार्ड दो या कोई भी अवार्ड हो, मंच पे हैं, खड़े हैं, वीफा का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, नमन हमारी तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री का। हमारे महंत जी यहाँ पे साक्षात पधारे हुए हैं, ब्रिजमोहन दास जी, आपको शत शत नमन प्रणाम। हमारी इंडस्ट्री के धरोहर निर्देशक श्री आर पांडे जी यहाँ पे मौजूद हैं, राजकुमार आर पांडे, राजकुमार पांडे को सब जानते हैं, आर का रहस्य मैं जानता हूँ। विजय यादव जी हैं, हमारे प्रदीप शर्मा जी हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। हमारे एक आइकॉन निर्देशक हैं हमारे पराग पाटिल जी, जिनकी वजह से मैंने भी निर्देशन शुरू कर दिया। अब विजय जी आपके तरह हो गए हैं। विजय यादव जी हैं, ये सबका आंकलन करते रहते हैं, मेरा भी इन्होंने कुछ आंकलन किया है। हमारे एक हैंडसम विलेन, अगर आज के डेट में अगर मैं खलनायक बोलूं किसी को, तो हमारे बीच मौजूद है, पता नहीं है कि नहीं है, देव सिंह। देव, देव मेरा विश्वास है, मेरी सोच और मेरा जो सकारात्मक रवैया है, जो मैं न कर पाया हुआ देव कर रहा है। मुझे आज एक अभिनेता के रूप में सब लोग प्यार दे रहे हैं, इसका बहुत मुझे नाज है, मुझे फख्र है इस भोजपुरी इंडस्ट्री पे। वन एंड वनली हैंडसम मिस्टर के गोस्वामी सामने चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, अमरीश जी हैं, मुन्ना दुबे जी हैं, हमारी तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री को कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू। खेसारी जी लव यू, ये लव यू की भाषा, ये लव यू की भाषा आप सब जगह पॉपुलर कर रहे हैं। आई लव यू, लव यू मेरा टैग है, लव यू। अच्छा, प्रभु हैं आप। ये पहली बार एक फूल के हाथ से एक माली को जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये माली की तरह पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लोग शुरुआत किए, हम लोग तो फूल की तरह सिर्फ उस बाग में खिलना सीखा है, इन्होंने पानी डाला, हम खिल गए और दुनिया ने हमें अपना लिया। तो बस मैं चाहता हूँ कि स्वीकारिए और अपना प्यार आशीर्वाद, और देव इनके एक्टिंग को फॉलो करना, नेचर फॉलो मत करना। नहीं नहीं, मेरा नेचर तो आप फॉलो करने लगे। आज के डेट में अगर कोई अवधेश मिश्रा का जीरोक्स करता है, वो है ओनली वन खेसारी लाल यादव जी। Love you. Love you, bro. चलिए आज आप भी मानिएगा हमको, तो ठीक है। और ये हमारे बीच में एक खूबसूरत सी अदाकारा सोनालिका जी हैं। हम इनके लिए सुनिए ना, सुनिए ना, सोनालिका जी के लिए कुछ दो शब्द बोलूंगा। हमने साथ में शुरुआत करी थी इनकी पहली फिल्म, और लोग भी शर्मा जी प्रोड्यूसर थे, और लोग भी अवार्ड लेना है। नहीं, अवार्ड तो सब ले लेंगे, अवार्ड तो हम ले लेंगे ना। चलिए, थैंक यू अगेन, लव यू ऑल, थैंक यू, आई लव यू, कांग्रेचुलेशंस सर। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कॉमेडियन का, जो कि जाता है के गोस्वामी जी को। प्लीज आइए स्टेज पर और मंच की शोभा बढ़ाइए। कहाँ गए देवी जी? देवी जी वाला है ना। हाँ, नाम केहू के केहू जा सकता, नाम लिखे लिखल लीजिए। मैं, आप मेरे गार्जियन हैं, एक गार्जियन को अवार्ड देना, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप लोगों ने हमें उस लायक तो बना दिया कि हम आपको कुछ दे सकते हैं। थैंक यू सर। कुछ बोलेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बोलूँगा सर। खेसारी जी के हाथों ये सम्मान पाकर मैं बहुत सम्मानित हूँ आज, थैंक यू सर। और बीफा फिल्म अवार्ड यहाँ करण वाही जी एंकरिंग कर रहे थे, उनको मैंने टीवी पर बहुत देखा, और हिंदी के हमारे जो बीपी सर को यहाँ से सम्मानित किया गया है। बीपी सर बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं, महानायक हमारे कुणाल जी को सम्मानित किया गया बीफा ने, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे राजीव रंजन जी का बहुत आभारी हूं मैं
जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लायक चुना। वैसे मैं भोजपुरी फिल्में कम करता हूँ, लेकिन मतलब मिलती ही नहीं है मुझे भोजपुरी फिल्में मिलती ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या। फिर भी मुझे इस अवार्ड के लिए बुलाया चुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ खेसारी जी आपका भी। आज मेरे हाइट में आकर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोनालिका जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर प्लीज। इस उम्र में आपका आदेश हो तो मैं इनकी खूबसूरती। अरे अमर मेहरारू थोड़ी है जगह टेंशन में कह दो। सोनालिका जी बहुत देर से सबका मनोरंजन कर रही हैं, मैंने सोचा है आज मैं इनका मनोरंजन करूं। प्लीज सर। सोनालिका। यस। खेसारी जी ने आई लव यू कहा है जी पब्लिक को। जी मैं कहता हूं आपको जी। हुस्न तुम रखती हो, हुस्न तुम रखती हो तो बुरे हम भी नहीं, महलों में तुम रहती हो तो सड़कों पर हम भी नहीं। क्या बात है। ये लड़कियां प्यार करने से पहले कुछ नहीं बोलती, बाद में बोलती है। प्यार करके कहती हैं कि शादीशुदा हूं। कान खोल कर सुन लो, कंवारे हम भी नहीं। अब दो चार पब्लिक जो भी बैठे हैं वो लोग एक बार थोड़ा सा ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू। अवधेश जी, पराग जी, राजकुमार पांडे जी, बाबा बैठे हैं वहाँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजकुमार जी ने मुझे बार बार ब्रेक दिया है, हर बार, कई बार मैं तो ब्रेक से गिर गया। देवरा बड़ा सतावेला सैया के साथ मरैया, और न जाने राजकुमार जी के साथ मैंने कई बार मरई में घुसा मैं। सर आप सो थैंक यू राजकुमार पांडे जी, आपके साथ मैंने 20-25 फिल्में की, और जिनके साथ नहीं किया उनको भी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आई लव यू टू। ओके सर, कांग्रेचुलेशन सर। अब हमारा अगला जो अवार्ड कैटेगरी है वो बेस्ट मैनेजर इन। अच्छा तू ले लो, करो ले लो, तू दे दी हो करा के। दोनों इकरे के दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद, कमीशन मत खाना तुम लोग। और क्या हुआ जी, बहुत सारे हैं हमारे के वही खाती बोलो ले बोलो का तू लो। अच्छा फिर ये दे बोलो। इसीलिए मैंने वेरी स्टार्टिंग कहा था कि आपसे प्यार बहुत है लोगों को, तो अभी प्यार बांटिए। अरे नहीं, सब लोग प्यारे लोग हैं, हमसे ज्यादा प्यारे हैं जी। हमारा भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड्स, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप सब लोगों के समक्ष मैं आ सकूं, और आप सभी ने मेरी कला को, मेरे गानों को इतना सारा प्यार दिया है। साल दर साल 2012 में मेरा पहला गाना आया था मेरा, गो गो गोविंदा, ओ माई गॉड। उसके बाद सन ऑफ सरदार, हुक्का बार, प्रेम लीला, प्रेम रतन धन पायो, तमाम सारे गाने आए, और आप सब लोगों ने एक एक गाने को उतना ही स्नेह और उतना ही आशीर्वाद दिया, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आप सब लोगों का। 3 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से इस अवस्था में आप लोग मुझे पा रहे हैं, बट आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो बहुत जल्द आई विल बी बैक इन माय बैक ऑन माय बोथ फीट एंड बैक इन माय फॉर्म। सो ज़्यादा आप लोगों को मैं बोर नहीं करूँगा, लेकिन कलाकार हूँ, गायक हूँ, म्यूजिशियन हूँ, तो आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत बख्शी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सब लोगों के लिए कुछ मैं चंद लफ्ज़ कहूँ और गाऊँ अपने आप सब लोगों के मनोरंजन के लिए। और उससे पहले हमारे बीच इस संसार से हाल ही में, क्योंकि म्यूजिशियन हूँ, संगीतकार हूँ, गायक हूँ, कलाकार हूँ, तो हम सब लोगों की जो इंस्पिरेशन है, दो ऐसे दिग्गज हमारे बीच से चले गए हैं हाल ही के दिनों में, स्वर कोकिला श्रीमती ललिता लता जी, लता मंगेशकर जी, और मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत एक तुच्छ प्राणी हूँ उनकी शान में कुछ भी कहने वाला। उन सब लोगों के लिए वो इतनी बड़ी प्रेरणा है, उनको सुन के उनको जीते हैं लोग, सुनते नहीं हैं, और जब तक ये उम्र रहेगी, जब तक ये संसार है, जब तक ये विश्व है, जब तक ये दुनिया है, उनका जो है रुतबा कायम होगा और हमेशा के लिए रहेगा। तो लता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच लता दी और बप्पी लहरी जी, बप्पी दा।
मुझे पता है आप अभी सोच रहे होंगे यार क्यों बोले जा रहा है, मेरे पास इतने सारे नाम है बोलने के लिए, व्हाई डजंट ही जस्ट स्टॉप एंड स्टार्ट सिंगिंग. बट द थिंग इज, अगर हर चीज को T20 की तरह किया जाए तो उसका मजा नहीं आता है. मुझे पता है समय का अभाव है, लेकिन अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं उनकी शान में, उनकी याद में कुछ चंद पंक्तियां गाना चाहता हूं. दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लो ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. एवरीवन, अरे हाँ, रेडी टू प्ले, कम ऑन, 1 2 3 गो. यो एवरीवन, साथ में गाएंगे, 1 2 3 4. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आई कैन जस्ट सी अनूप भाई सिंगिंग. ओ ओ ओ ओ, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार, बेफा का प्यार तेरे यार कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 बेफा यार, तेरा प्यार 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 बेफा पार, ओ तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार. बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप बोलिए. बहुत बहुत शुक्रिया. केसरी केसारी खेसारी भाई के लिए जोरदार तालियां, और सोनालिका के लिए भी बहुत जोरदार तालियां. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए. धन्यवाद, थैंक यू. ये सॉन्ग इज माय वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इन बॉलीवुड. अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे जनमत न्यूज से अभिलाष भट्ट जी को, लाइफ सेवर से संजय प्रसाद जी को, शशांक मूवी बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स एंड चॉइस रवि सुधार चौधरी जी को. मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनसे, जिन सुपरस्टार से मेरी कहानी, हमारी कहानी शशांक इंस्पायर है, वो सुपरस्टार जो हमारी बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती को रिप्रेजेंट करता है, हमारा मान सम्मान, हमारा इंस्पिरेशन, हम जैसे एस्पायरिंग एक्टर्स का इंस्पिरेशन है, नन अदर देन सुशांत सिंह राजपूत. तो ये हमारी शशांक की कहानी, हमारे सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेट करता हूँ मैं. और उनके साथ जब अनहोनी हुई थी, हमारे संजय भूषण भैया जी हैं जो हमारे प्यार भी हैं, और
राजीव रंजन भैया, दीपक भैया, हर कोई मौजूद थे और उनके घर से हमने इस कहानी की नींव रखी थी, ताकि एक सुपरस्टार की जो ज़िंदगी होती है, उनकी जो लाइफ होती है, उनका उनका चमकना सबको दिखता है। कई सारे सुपरस्टार्स हमारे साथ हैं लेकिन उनकी जर्नी किसी को नहीं दिखती, उनकी तकलीफ किसी को नहीं दिखती, उनके धूप छांव किसी को नहीं दिखते, उनका संघर्ष किसी को नहीं दिखता। तो ऐसी एक कहानी को रिप्रेजेंट करता है अपना शशांक। और जो भी सुपरस्टार्स हैं, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों, भोजपुरी इंडस्ट्री के हों, उनके लाइफ में क्या चल रही है, वो अपने जगह को रिटेन करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। एस्पायरिंग एक्टर्स आते हैं इंडस्ट्री में, स्ट्रगलर्स आते हैं इंडस्ट्री में, वो उस मुकाम को पाना चाहते हैं। हमने शशांक को एक चांद दिखाया है, जिस चांद को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उस चांद में कितने दाग हैं, कितने धब्बे हैं, कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी मायूसियाँ हैं, ये है हमारी शशांक। तो थैंक यू फॉर अप्रेजिंग मी बिफोर, थैंक यू वेरी मच। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम अभिलाष भट्ट है, मैं जनमत न्यूज़ का यहाँ पे ब्यूरो चीफ हूँ। चूँकि इस बेफाक की जो टीम है उसके बारे में मैं थोड़ा अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों की शुरुआत मेरे सामने ही हुई थी इस कार्यक्रम के करने के लिए, जब राजीव मेरे छोटे भाई जैसे हैं वो मेरे पास आए थे कुछ महीने पहले, और उनकी टीम ने लगातार 24 घंटे 7 दिन और कई महीने काम किए हैं जो मैंने देखा है। तो मैं तहे दिल से बीफा की टीम और राजीव रंजन के लिए एक शब्द दोहराना चाहता हूँ, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकते हैं, एक पत्थर तबीयत से उछालो। थैंक यू बीफा टीम, थैंक यू ऑल द भोजपुरी अभिनेता और जो है क्या नाम होता है कि बॉलीवुड के अनुता, सबको मैं धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। मैं भी अनाउंस करती चाहूँगी, चाहती हूँ कि आप सब स्टेज पर आए बारी बारी से। बेस्ट न्यू कमर निर्देशक अवार्ड नीलमणि सिंह जी, भिखारी ठाकुर सम्मान पाखी हेगड़े जी, सह चरित्र अभिनेता देव सिंह जी, बेस्ट पॉपुलर अभिनेत्री शुभी शर्मा जी, बेस्ट डायनामिक अभिनेत्री अंजना सिंह जी, बेस्ट गायिका इंदु सोनाली जी, एंड द माय गॉड मुझे कोई यकीन नहीं हो रहा है, बेस्ट मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनालिका प्रसाद। फोटो हम उतना बाटो तनी आइए। थैंक यू, ढेर सारी शुभकामना आपको इस अवार्ड के लिए, आपको हमारे जिला का अवार्ड मिल रहा है, इसको संभाल के रखिएगा। थैंक यू सबको, बिल्कुल मत बोलिए हाँ, क्योंकि हाँ GST कार्ड के टाइम मिल रहा है हम लोग को। मुझे भी आपके हाथों से एक अवार्ड मिलने जा रहा है। परफॉर्मेंस भी है ना, ये आपको भी देना है, कितने खुश नसीब है हम। हटो ना यार, अब लोग हटो, तीन सुंदरियां खड़ी हैं मतलब कि बीच में टांग अड़ा के बैठे, जाओ इधर। चलिए खींच लीजिए फोटो। यस, आई गेस वी शुड। हो गया, थैंक यू सो मच बीफा अवार्ड। और राजीव रंजन जी, संजय भूषण जी, MH1 के जितनी भी टीम है, और हमारी कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, बंधु, हीरो हीरोइन, हमारे अनूप ठाकुर जी, आज ही हमारी दोस्ती हुई दोनों भाइयों के जिम में, और हम लोग खूब दबा के 2 घंटे जिम किए और मज़ा आया। इनको देखकर मुझे भी एनर्जी और मिल गई। अब मैं कोशिश करूँगा कि अपने भाई की तरह मैं भी बॉडी बनाऊँ, और ऐसे ही आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। पूरी हिंदी इंडस्ट्री को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने हमारा सम्मान किया और हमें इतना प्यार दिया। हमारे करण वाहिद जी, जो कि मेरे मित्र भी हैं, हम लोग एक शो में मिले थे, कॉमेडी नाइट शो में, तो बड़ा अच्छा लगता है सबको देख के, और बड़ा प्यारा माहौल है। सबको दिल से प्रणाम। अगर हम सबसे कोई भूल या चूक हो गई होगी तो प्लीज़ आप सब अपना बेटा, अपना भाई, अपना अनुज समझ के माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच। चुनल बानी रानी
मैले बाड़ू जंगले ओठ लाली हकी ओठ बाबी मैले बाड़ू चकले वायरल भइल बा फोटो सोशल मीडिया पर तोहार जब से कंटेंट करे खातिर कोशिश में लागल रही हम कब से तोहरा भेड़ा में रोज खत्म होता चल चल जीबी इंटरनेट ओठ लाली हकी ओठ पर पिघलैले बाड़ू चकले ओठ लाली ओठ पापी घिलाइले बाड़ू चकले सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हम हर मंच पे यही बोलते हैं कि जब मैं आप सभी का पैर छूं तो एक ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। क्या बात है, इस अवार्ड के असली हकदार हमारे ऑडियंस है जो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि आप हैं तो ये सारी चीजें हैं। और थैंक यू सो मच अभय भैया, अजय भैया, संजय भैया और मेरा छोटा भाई निशांत, जो इस मंच पे हमको ये सम्मान दिए। हर तू लगा दे जब लिपस्टिक ले लो सारा डिस्टिक, तू लगा दे जब लिपस्टिक आही ले लो सारा डिस्टिक, जिला टॉप लगेलू हो जिला टॉप लगेलू कमरिया 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 करे लप लप अरे लॉलीपॉप लगेलू हो जुपुरिया झुमा दे पूरा मुझे खली बढ़ गई बाजार हमार माथा पर चढ़ गई बा कि भाई मैरिज फिक्स रिक्स बढ़ गई बाजार हमार माथा पर चढ़ गई बा हर टाइम कहल न करो रघुजिया बड़ा घबराता हो हर टाइम कहल न करो रघुजिया बड़ा घबराता हो जब जब नंबर हमार बेटिंग में जाता हो खे वाला हो सब बैंड खिसिया का हो जब जब नंबर हमार बेटिंग में जाता हो खे वाला हो सब बैंड खिसिया का हो
बैंड किसी आता हो, जॉब जॉब नंबर हमार डेटिंग में जाता हो, खे वाला हो सु बैंड किसी आता हो, जोरदार तालियों के साथ, कम ऑन। भागल भाग कर राउंड,
फूल करा साउंड एक ही को गाना बजाओ चार राउंड अरे बजाओ मर्दा हरल बागा राउंड फूल करा साउंड एक ही को गाना बजाओ चार राउंड नोट नमरिया लेके छूट उड़ावो कमर हिला के नाचा हाथ ठुमका लगा के नाचा तनी झूम के मूड बनावा आज थपाई बजा के नाचा सबके मन बहलाई हमर गाना हमर धुन पे नाची सारा जमाना ई जमाना सबके मन बहलाई हमर गाना हमर धुन पे नाची सारा जमाना लहकेला तोहर डॉट डॉट बॉबी बॉबी जनी हो खातू पे काबू दिलवा पे रख काबू बनाल रहे तो हर छवि तू बाड़ू करते हॉट हॉट पहिरलू कपड़ा शॉर्ट शॉर्ट लौकेला तोहर डॉट डॉट बॉबी जनी हो खातू पे काबू दिलवा पे रख काबू बनाल रहे तो हर छवि हमके चिखादा चॉकलेटी जवानी हमके चिखादा चॉकलेटी जवानी हमके चिखादा चॉकलेटी नमस्कार आप सभी लोगों को और धन्यवाद ईश्वर को धन्यवाद यूनिवर्स को धन्यवाद गुरु को धन्यवाद माता पिता को धन्यवाद यहां बैठे हम सभी गायक से नायक बने कलाकारों के लिए भगवान मार्गदर्शक मनोज तिवारी भैया जैकलिन जी भोजपुर की भाषा है भोजपुरी और उसी भोजपुरी माटी में भोजपुर में आरा की धरती पे पैदा हुए हमारे भोजपुरी के लाल अभय सिन्हा आपको मैं नमन करता हूं कि आपने मेरी मां की भाषा भोजपुरी है उस भाषा को इतना सम्मान दिलाया पूरे दुनिया में आपने भोजपुरी भाषा का डंका बजाया है इनके मुंह से आप लोग भोजपुरी डायलॉग सुनना चाहते हैं ओके आधी रात फुटपाथ पे मार के सूते पहुआ ट्राई कीजिए जैकलिन आधी रात फुटपाथ में मार के सूते पहुआ मार के सूते पहुआ और नहीं अभी तो असली तो बचा है आखिरी लाइन आधी रात फुटपाथ पे मार के सूते पहुआ बेटा हमारे नाम नहीं रहुआ धीरे धीरे ओके बेटा हमरे नाम निरहुआ सो गर्ल्स लेसन ऑफ द डे इज मर्द पर हमेशा नजर रखो और अभी तो ज्यादा रखो क्योंकि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन सुपर हॉट एंड सिजलिंग जैकलिन फर्नांडिस आने वाली है कम ऑन तालियां Thank you.
क्या कही सन मारत के कहराला रख ले बाड़ू कोई के जतन कोई सन बार तोहरा बाटे हो पसंद बाकी दिल दे दो।
गुड इवनिंग और नमस्कार आप सभी को. भोजपुरी इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया है हमेशा हमेशा कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए. धन्यवाद एक बहुत ही छोटा सा शब्द है इसके लिए. मैं हमेशा कर्जदार रहूंगी भोजपुरी दर्शकों की, भोजपुरी इंडस्ट्री की, जिन्होंने मुझे प्लीज कीप क्वाइट अवधेश सुन लिया मैंने. एनीवेज फुटेज खाना बंद करो. मैं भोजपुरी सिनेमा की हमेशा कर्जदार रहूंगी क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया. सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर, कोरियोग्राफर्स, एक्शन मास्टर, को एक्टर, विलन खासकर और सभी से बहुत प्यार करती हूँ, पूरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि हमेशा भोजपुरी सिनेमा ने मुझे बहुत प्यार दिया है. तो आई लव यू अ लॉट ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.
आप आए हो तो हम चाहेंगे कि थोड़ा गुनगुना दो। अब मिला है आपको ये अवार्ड तो इतना तो नैतिकता बनती है कि इस मंच पर कुछ गुनगुना दो आप। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए तमाम जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जो जूनियर हैं उनको प्यार भरा नमस्कार, जो सीनियर हैं उनको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार बना रहे। और सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा के हाथ से ये अवार्ड मिला मुझे, जो कि पूरे एकदम बाबा बाबा हैं, बाबा का एक अलग अपना जलवा है। और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के हमारे सबसे अच्छे, हमारे दिल के टुकड़ों में एक शुमार हैं हमारे खेसारी लाल यादव जी, उनके सामने मैंने अवार्ड लिया अपने भाई के सामने, तो ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप सभी ने आशीर्वाद जो दिया है, शायद वो हमेशा मैं एक लाइन याद रखता हूँ खेसारी लाल जी का कि जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि बाबा बस कड़ा मेहनत के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आई नो कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ रेगुलर, और आपका प्यार है। अब आपके लिए गाना है ना, आपके लिए गाना है, एक गाना मैं गाया हूँ कि रंग अंग में लगा जैता कहियो ए बलम मैता कि कहे गईला जमाना से आ छोड़ी अपना जनना के कि अइला ना लुधियाना से। विजय यादव जी हम लोग के गार्जियन हैं, और भैया अगर तू बॉम्बे बड़ा भाभी बक्सर बड़ी तो यह लाइन हुई कि रंग अंग में लगा जैता कहियो ए बलम मैता कि तुहरा बिना ना जीए राजा पल पल कटे जानी ए हो बलम अखिलेश बता दो कहियाले दुर्बानी कितनी बात गुस्सा में गई रहन खिसिया के 10 साल से निखन कि वो बात भुला जैता कहियो ए बलम मैता। बहुत ही उम्दा गाया आपने। Oh,
तू
Check out.